तमाम तमाम यहाँ की जनता जनार्दन को और आया है चुनावी बयान और जीतेगा वही जिसे मिलेगा आप तमाम जनता का प्यार। एक बार अपने सम्मान में आप लोग जोरदार ताली बजाएं। और कैपिटल टीवी है और आपका भी काफी स्वागत है, बहुत बहुत जोरदार इनके लिए भी धन्यवाद धन्यवाद। कि बड़ी मुल्की जीत के बाद ये शाम आई है और चंद सितारों को भी साथ लाई है, ये तो आप लोग का प्यार ही है कि कैपिटल टीवी के पास आप लोग को खींच लाई है। और जोरदार होना चाहिए जिस तरह गीत बजेंगे उस तरह आप लोग भी अपना पिकअप बढ़ा लेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। एक बार जोर से ताली लगाइए इन कलाकारों के लिए, बहुत ही अच्छा गाना इन लोगों ने गाया है। हम इस वक्त गौरवराम चुनाव क्षेत्र में है और इस तरह के जो पंचायत आपने टेलीविजन पर देखी होगी तो उसमें नेता होते हैं, उसमें कई सारे कलाकार भी होते हैं और कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिसे जनता सुनना नहीं चाहती, लेकिन कैपिटल टीवी ने इस पंचायत को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है जिसमें सिर्फ जनता है। कौन है हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ किस पार्टी किस उम्मीदवार की तरफ लोगों का रुझान है। जब मैं आपसे बात करूंगा अपना परिचय सबसे पहले दीजिएगा। हमें सबसे बड़े यहाँ पे जो नजर आ रहे हैं उनसे ही शुरुआत करते हैं। आपका नाम बताइए। राम कुमार झा। हाँ, निश्चित हमारे उम्मीदवार की जीत होगी। 3 तारीख को यहाँ 80% मत इसके VIP के उम्मीदवार स्वर्णा सिंह के पक्ष में जाएगा। लोग एकदम उत्साहित हैं, उत्सुक हैं। यहाँ तो कमल छाप नहीं है तो कौन सा छाप चलेगा यहाँ? नहीं, यहाँ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो है, 4 दल का बिहार में गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, VIP और हम, चारों दल मिलकर के मजबूती से बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं और इस गौरवराम विधानसभा क्षेत्र में भी चारों दल मिलके मजबूती से एक साथ एकजुट होकर के स्वर्णा सिंह को जिताने के लिए काम कर। बहुत बढ़िया। ये बताइए, ये तो एक गठबंधन, दूसरा है ये बताइए, दूसरे गठबंधन वाले कौन सा क्या कर रहे हैं? दूसरे वाले का तो पता यहाँ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर VIP का। तो आया नहीं ये लोग? ये लोग कोई प्रचार नहीं कर रहे क्या? नहीं नहीं, ऐसा है कि मैं तो यहाँ का एक विधानसभा का वोटर हूँ, धर्मेंद्र सिंह मेरा नाम। वेरी गुड। और सारे लोग अभी इस पार्टी, हम भी किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे इस बार जनता एक इतिहास रचने के प्रयास में है और जनता का एक मैनिफेस्टो होगा। बिरौल सबसे पुराना क्षेत्र रहा है, बहुत बड़ा भाजपा का भी, लेकिन आज तक जितने भी विधायक रहे, सौभाग्य की सारे लोग या मंत्री रहे या मंत्री का दर्जा रहे, बिहार में सबसे पिछड़ा हुआ एरिया ये है। आप सुपौल बाजार में जब जाएंगे, सुपौल बाजार की नारकीय स्थिति है, कितने MLA मंत्री बने चले गए। बिरौल हाई स्कूल, JK कॉलेज, गौरवराम सिंह हाई स्कूल, जो हमारे समाज के पूर्वजों ने बनाया, पूरा एजेंडा आपने बता दिया। मूल बात बताइए, जनता का मैनिफेस्टो बनेगा, जो नेता तैयार होगा किसी के ठेकेदारी से वोट नहीं मिलेगा। तो जनता का एजेंडा बनेगा? ये पूर्वजों ने नहीं बनाया, नीतीश कुमार के काल में हुआ है सर। अरे भाई, ये नीतीश कुमार के काम? हाँ बताइए भाई। ये JK कॉलेज है, 1967 की कॉलेज है। JK कॉलेज बिरौल 1967 की कॉलेज है और ओंकार हाई स्कूल, ओंकार महल बहुत जमाने पहले बनाए थे। हाँ। हम लोगों को डेट नहीं याद है। हाँ। लेकिन बहुत जमाने, नीतीश कुमार तो ये 2005 से है। हाँ। तो वो कब बनाए? ये जो महाशय बोल रहे हैं कि 2000 ये कॉलेज बनाए, स्कूल बनाए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ तो बहुत सारा हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल है, 40 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है सर, 40 बेड का। और ये अब ये दिखा रहे हैं भाई, वहाँ पे नीतीश कुमार ने बनवा दिया इतना बड़ा हॉस्पिटल। अरे ठीक है, इसी काम के लिए CM बनाया गया है। जी जी, इसी काम के लिए CM होता है ना, इसी काम के लिए CM और PM है, इसी काम के लिए। लेकिन शिक्षा के मामले भाई, ये बात तो सही बात है, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई मेहरबानी तो किया नहीं, ये काम तो उसका है। आप बताइए, ये जो मुख्यमंत्री बनते हैं और हॉस्पिटल बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, ये तो उनका काम है, कौन सा नया उपकार कर दिया जनता के ऊपर? देखिए, उपकार नहीं है, विकास है।
अच्छा यही विकास है, विकास है हाँ। यहाँ स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, शिक्षा चारों का स्तर यहाँ पर देख लीजिए। प्लस टू विद्यालय, ओंकार उच्च विद्यालय, आईटीआई कॉलेज बन के तैयार है। क्या नहीं बन गया, क्या बन गया? प्लस टू विद्यालय बन गया यहाँ पर, तो ये यहाँ पे एम्स बन रहा है, यहाँ पर एयरपोर्ट बन गया। भाई ये बात तो ये इधर जनता बोल रही है, एक मिनट, एक भाई यंग मैन है ये बताएगा कि भाई क्या हुआ है। जी सबसे पहले मैं बोला था, मेरा नाम सियावर सिंह। जो ये भाई साहब हमारे बोले कि ओंकार और ये जनता कोसी जो विद्यालय है वो हमारा पूर्वज के धरोहर है, हम रजवा से बिलोंग है। जनता कोसी यानी जनता द्वारा निर्मित, और कोसी हमारा नदी है, उसके द्वारा जनता के द्वारा हमारा कोई निर्मित किया गया। हाँ, इस एनडीए सरकार में विकास हुई है, लेकिन हमारा ओंकार उच्च विद्यालय और जनता कोसी जो है वो हमारा पूर्वज का ही धरोहर है। ये तो अब मैं ये कह रहा हूँ, ये भी तो ये हाँ, आज 50 साल के बाद भी वो पुराने भवन में चल रही है आज भी। सर्वानी चाहिए नेताओं को। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आम जनता है, आम जनता की आवाज सुननी जरूरी है। यहाँ का स्थिति तो ऐसा है और ऐसा विकास हुआ है जो आज तक इसमें आला नहीं रहता है हॉस्पिटल में। आप एक मीडिया प्रभारी है, आप एक मीडिया प्रभारी है, मैं आपसे अपील करता हूँ अभी प्रत्यक्ष रूप से जा करके आप यहाँ का तलाशी लिया जाए जो इसके अंदर क्या है। तो ये बताइए कि अभी तो चुनाव हो रहे हैं, कौन आदमी इसको ठीक करेगा, किसको वोट दीजिएगा? परिवर्तन ही, परिवर्तन जब तक नहीं होगा आगे की काम नहीं होगी। सरकार नहीं बनेगा। हाँ बताओ भाई। सबसे पहले हमारे गौरव की बात यह है कि आज जब से देश आजाद हुआ है आज तक हमारे यहाँ कोई महिला कैंडिडेट नहीं हुई, और युवा शिक्षित और जो महिला है स्वर्णा सिंह जी हमारे यहाँ, इन्हीं के द्वारा विकास होगा। क्या भाई ये बताओ, बताओ बताओ भाई। शिक्षा में विकास हुआ है, 5 साल में बीएससी का एग्जाम क्लियर होता है, शिक्षा में विकास हो गया भाई। ये तो बहुत चिंता का विषय है, ये वाकई चिंता का विषय है कि ये 5 साल में अगर ये होता है, आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, बताइए। अभी जो भाई साहब कहे हैं कि यहाँ क्या विकास हुआ है, हम बताना चाहते हैं। 70 वर्षों में लाल ईंट नहीं था सड़क पे, करिया पीच दिखाने का काम नीतीश कुमार नंद किशोर यादव ने किया है इस क्षेत्र में। 17 नदियों की जाल जहाँ है, सिर्फ बाढ़ से त्रस्त इस क्षेत्र में 17 बना। अभी हाल में शिलान्यास हुआ है सुपौल बस स्टैंड से बौराम, पथ निर्माण विभाग से सड़क, हाटगाछी से अली नगर, पथ निर्माण विभाग के। अरे भाई और बता, और भाई वो तो लिस्ट में मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, अरे यही काम के लिए तो सरकार बनती है। और इसको बता रहे हैं, और हमारे विरोध में जो लोग हैं वो जिन्ना के मुन्ना को जाले से लड़ाते हैं, जिन्ना के पूजक के साथ मिथिला के लोग नहीं है। भाई भाई ये जिन्ना वाला क्या कहानी है, जिन्ना वाला क्या कहानी है भाई साहब? विकास तो सर हुआ है, ये बात तो मानना पड़ेगा, लेकिन सर टाइम तो लगता है किसी भी कोई भी काम करने में। अब नीतीश कुमार वहाँ से फंड जारी करता है तो वो आके तो सड़क नहीं बनवा सकता है, या फिर वो आके काम तो नहीं करवा सकता। काम तो यहाँ का जनता जो वो करवाएगा ना। तो सर विकास हुआ है सर, कांग्रेस से किसको टिकट मिला है जाले में? जो जिन्ना का फोटो लगा है तो सर वहाँ जो देश के विरोध में बोलता है वहाँ कांग्रेस से टिकट मिलता है, और बाकी जो देश के हित में बोलता है सर उसको बोलता है बीजेपी वाला है, एनडीए वाला है। जिन्ना वाले को कौन को ये बता दो भाई कि ये जिन्ना वाले को कौन कौन वोट नहीं देगा? हाथ खड़ा करो तो वोट नहीं देगा, मतलब ये पाकिस्तान में है। एक मिनट जिन्ना का काम पाकिस्तान में है, और जो जिन्ना का यहाँ फोटो लगाता है उसके लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है, इसलिए यहाँ का चाहे वो किसी वर्ग का लोग हो उसको यहाँ वोट नहीं पड़ेगा। एक यंग मैन बोल रहा है, नाम बताओ भाई आप। सौरभ कुमार सिंह। क्या करते हो? ग्रेजुएशन अभी पास किए हैं। पास किए हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो? मेडिकल का कर रहे हैं। वेरी गुड, अब बताओ सर हम किस आधार पर बोले जो शिक्षा का विकास हो रहा है? हाँ, बोलो बिहार में, पूरा बोलो। सीएम कैंडिडेट नॉमी फाइल, हाँ, जहाँ जिन्ना का अभी सवाल आया है इस क्षेत्र से, ये मदन सहनी यहाँ का विधायक एक बार सिर्फ दिखा जब वोट का समय था तब, ठीक है, उसके बाद फिर कभी नहीं आया है वो। तो ये कहानी है, नौवीं फेल आदमी कैसे चीफ मिनिस्टर बनेगा और कैसे सरकार में वो चलाएगा, ये सवाल है। सर हम एक बात बताएं। हाँ बताइए। अपना बेटी अपना निशान, गोरा बोराम का है स्वर्णा सिंह पहचान।
ये तो नेता, ये तो पूरा स्लोगन हो गया, पूरा का पूरा स्लोगन हो गया। दूसरा बात, हम विनय कुमार पासवान मेरा नाम है, भारतीय जनता पार्टी ने दलितों को बहुत बड़ा सम्मान दिया। हम कुछ लोगों को ये मैसेज देंगे, हमें चमचमाती हुई सड़क चाहिए, 20 वर्ष पहले का गड्ढा नहीं चाहिए, हम सैटेलाइट युग में हैं, हमें लालटेन युग नहीं चाहिए। भाई इसके जवाब में कोई और कोई आदमी बोलेगा? ये देखिए उन्होंने शायरी की है, आपका भी जवाब शायरी से होना चाहिए। देखिए सभी नेता तो आते हैं, लेकिन एक हेडक्वार्टर है दरभंगा के बाद बिरौल अनुमंडल है, जिस बिरौल अनुमंडल को आज तक अपना भवन नहीं हुआ, और एक जनता कोशी महाविद्यालय है, यहाँ का बच्चे जाते हैं लेकिन आज भी वह खंडहर भवन है, यहाँ हाई स्कूल है, प्लस टू उच्च विद्यालय हुआ, आज तक वह मॉडर्न विद्यालय नहीं बन सका। ये बिल सही बात। एक मिनट, आप पत्रकार हैं, अपना नाम बताइए, परिचय दीजिए। प्रमोद भारती, दैनिक भास्कर से। अच्छा, दैनिक भास्कर से हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो अभी तो आप नजर भी कर रहे होंगे, कवर भी कर रहे होंगे, क्या माहौल लग रहा है? किस तरह का जात पात पे वोट होगा या विकास के नाम पे वोट होगा? भाषण तो सब लोग विकास के बारे में कर रहे हैं कि जात पात पे वोट होगा कि विकास पे होगा? विकास की बात करेंगे, आप यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी है जो दो प्रखंडों को जोड़ता है, बोरा बोराम प्रखंड है, और बोरा बोराम प्रखंड का जो है बोराम बांध है, आज तक यानी कई नेता आश्वासन दिए लेकिन आज तक वहाँ पुल नहीं बना है, आज तक वहाँ अभी भी नाव से ही टपना जाए, और गोरा बोरा में कई ऐसे विधानसभा है जहाँ नाव से अभी भी, पर शर्मा का जो एक नदी पंचायत का सरौनी है जहाँ 300 परिवार है, वहाँ कोई देखने वाला ने अभी भी वह 5 किलोमीटर दूरी से आकर के वह अपना देंगे। ये बात तो बिल्कुल सही है, मैं भी रोसियारी और बहुत सारे गाँव की तरफ मैं गया तो जहाँ हमें साफ साफ दिखा कि वहाँ पे सड़कें पुल वगैरह सब जो है बिल्कुल वहाँ पे नदारत है, नाव से क्रॉस करके हमें उस गांव में जाना पड़ा। ये बात आपकी बिल्कुल ही सही है। हाँ बताइए सर, हमारे काबिल दोस्त ने बताया, पत्रकार भी हैं, और मैं आपको बताऊं कि मैं भी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म का छात्र रह चुका हूँ, और एक अर्थशास्त्र का सामान्य से कहावत है कि यातायात के कोख से विकास पैदा होता है। आज आप जहाँ कहीं भी रहते हो, जहाँ घर है मुझे नहीं पता, लेकिन आप मुंगेर के हैं, लेकिन ये मिथिला का ये ऐसा क्षेत्र है। सही, मेरे प्रमोद भारती मेरे दोस्त हैं, मेरे काबिल दोस्त, उनके बगल में मेरे दोस्त भी हैं, सहपाठी भी और चचा भी रिश्ते में हैं, और मैं जरूर बताना चाहूँगा कि हमारे या आप कोई भी मनोभावना होती है, वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, हर चीज आप पर निर्भर करती है, और आपका जो समाज है, इसका जो ताना बाना है, इस समाज में हर तबके के लोग हैं, अग्रे हैं, पीछे हैं, और आज मुकेश सैनी सन ऑफ मल्लाह कहलाता है, सीना ठोक के कहता है, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि एक अग्रे की जात की बहू को सम्मान दिया, 52 से यहाँ इलेक्शन होते आ रहे हैं, आज तक किसी राष्ट्रीय दल ने और किसी क्षेत्रीय दल ने किसी बहू बेटी को यहाँ टिकट देने का प्रयास नहीं किया। मैं मुकेश सैनी को सबसे पहले धन्यवाद दूंगा, और उसके बाद एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के जो मुखिया है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, और हमारे बिहार में विकास पुरुष के नाम हमारे एक काबिल भतीजा ने बताया कि यहाँ आला नहीं, यहाँ आला भी है, यहाँ ताला भी है, और लोगों के दिल में सर में पहनाने के लिए सबके पास माला भी। तो ये चाचा भतीजा में जंग हो गया, इधर के लोग चुपचाप हैं, सुन रहे हैं, आप कुछ बोलिए, क्या ये बात जो सही हो रहा है, विकास के नाम पे वोट होगा, जात के नाम पे वोट होगा, किस चीज पे होगा? विकास के नाम पर वोट होंगे तो किसको वोट दीजिएगा? वोट देंगे एनडीए को, एनडीए को वोट देंगे, आप बताइए भाई, एनडीए को देंगे, नोटा डालिएगा, नोटा वोट देने जाएंगे ना, साइकिल पंक्चर हो जाता है, साइकिल पंक्चर हो जाता है तो वोट देने नहीं जाएंगे आप? हमारे काबिल बड़े भाई हैं, वो झूठ बोले, साइकिल पंचर हो जाता है उनका, यहाँ से देख लीजिए कितनी अच्छी सड़क है, वो खुद पंचर हो जाता है। ये, 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 एक बात
समझाइए, एक बात समझाइए, एक हम यहाँ जाते और मैं बता दूं कि मैं पैदल यात्री, मेरे पास साइकिल भी नहीं, फिर करेगा तो ये बताइए, ये तो कभी आप चाचा पे हमला कर देते हैं तो कभी बड़े भाई पे, अब भतीजा जी बुला रहे हैं, बताइए भाई। हम चाचा है, वो भतीजा है। एक इनकी बात को मैं किया, ओंकार उच्च विद्यालय मॉडल स्कूल की घोषणा बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया होगा, जिससे माझी जी सीएम थे, मैं भी माझी जी के साथ जुड़ा हुआ था, अब मॉडल स्कूल की घोषणा करवाया था, तीन मॉडल स्कूल घोषणा हुई थी, बिरौल, शिवनगर एंड बेनीपुर। शिवनगर बेनीपुर चार साल पहले बन गया, बिरौल क्यों नहीं बना? उन इससे पहले के पदेन अध्यक्ष जो हाई स्कूल के होते हैं, विधायक होते हैं, उस विधायक से पूछने वाले कौन है, पूछे क्यों नहीं बना? अब ये बताइए, भाषण तो बहुत हो गया, मुद्दा भी बहुत उठ गया, हम भाई एक नौजवान है, वो कुछ कहना चाह रहा है। ये महागठबंधन नहीं, महाठगबंधन है, क्योंकि राजनीति गौरव और की राजनीति का अपराधीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि राजद के द्वारा जो कैंडिडेट दिया गया है वो दागी है, उस पर आर्म्स एक्ट का मामला चल रहा है, इसलिए साफ और स्वच्छ छवि की स्वर्ण सिंह जी एक तरफा विजयी होगी और पहली बार गौरव और से किसी महिला उम्मीदवार को। क्या नाम, क्या नाम है, क्या नाम है? केशव आचार्य। केशव आचार्य क्या करते हो, कहाँ पढ़ाई करते हो, किस क्लास में? स्टूडेंट है पीजी के। वेरी गुड, पीजी के स्टूडेंट है। हमें पता नहीं इनकी उम्र क्या होगी, लेकिन जब हम लोग बच्चे थे तो जंगल राज के बारे में बड़े सुनते थे, अब तो बहुत सारी बातें हो गई, मुद्दा भी डिस्कशन में आ गया। अब मुद्दे पे आते हैं, ये बताइए किसका हवा चल रहा है, किसको वोट दिया जाएगा? चिराग पासवान को। चिराग पासवान को, आप बताइए। एक मिनट, हो गया, हो गया। सिंह का, स्वर्णा सिंह का, बताइए। स्वर्णा सिंह का, अब बताइए। स्वर्णा सिंह का, इस बार बाहर का एरिया है, नाव पर चढ़ करके हम पार्लियामेंट तक सब नाव, नाव से पहले वहां भाई बताइए। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हाँ भाई बताओ। यहाँ एक क्षेत्र का, एक समाज का, यहाँ पे मैं अपने सभी युवाओं से एक निवेदन करता हूँ, यहाँ के सभी क्षेत्रवासियों से एक निवेदन करता हूँ, हमारे क्षेत्र की बहू को, बेटी को एक जगह मिला है जो कि आज तक किसी 1947 के बाद आज तक नहीं मिला है, और यहाँ पे सभी का ये नाक है, एक बार सवर्णा सिंह को देना चाहिए जगह और उसको जिताना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे नेता नहीं चाहिए, मुझे विकास चाहिए, और वो उनके नस्ल में, उनके खून में राजनीति नहीं, विकास है, और वो होगा। आप बताओ भाई किसका महावत चल रहा है? स्वर्णा सिंह। आप बताओ भाई। स्वर्णा सिंह। वोटर हो? स्वर्णा सिंह। स्वर्णा सिंह, यहाँ तो स्वर्णा सिंह का ही पूरा ये मसला चल रहा है। तो आपने यहाँ जनता की राय आपने देखी, आपने सुना कि यहाँ पे किस तरह का माहौल है, और जो लोगों की बात आपने सुनी जानी, उससे आप इसका नतीजा निकाल सकते हैं कि यहाँ पे किसकी हवा चल रही है। आप देखते रहे कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।